धतूरे का जो पुष्प है उसको दो जगह पर समर्पित किया जाता है, दो जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को फूल को समर्पित किया जाए, एक। दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, दो फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है मान लो ये फूल है धतूरे का, वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किस ने करे ना, सबने दर्शन, धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित, एक। दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए, अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज, जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है, कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते, वो थोड़ा विपरीत हो जाता। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए, कौन कौन सा स्थान है, जम के बोलो, पहला जम के बोलो, अशोक सुंदरी की स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए, महादेव की ओर, और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर, और दूसरा देवाधिदेव महादेव के शीश पर।